हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के प्रोज के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। इसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द पास्ट इज। तो इसका ऑप्शन दिया है डिड एन स्टेटिस अलाइव एंड डायनेमिक यूजलेस हार्मफुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द पास्ट इज का अलाइव एंड डायनेमिक, जो भूतकाल होता है, भविष्य बीत जाता है, वह जिंदा रहता है, वह अलाइव एंड डायनेमिक। नेक्स्ट, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। भारतीय संस्कृति सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन है यूनिटी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्पैरिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द वर्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन है इसका पॉवर्टी ग्रेट नॉलेज, प्रोस्पेरिटी ग्रीड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट नॉलेज। इरुडिशन है वो ग्रेट नॉलेज को इंडिकेट करता है, ग्रेट नॉलेज। नेक्स्ट, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच को किस संदर्भ में दिया था। तो ऑप्शन दिया है ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, ऑन आर्मी डे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट। जब वे प्रेसिडेंट बने थे तो उसके संदर्भ में उन्होंने शपथ लिया था और स्पीच दिए थे। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्न कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1865, 1877, 1867, 1897। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ था हैदराबाद में। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन है 1959, 1969, 1979, 1989। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु हुआ था, बी। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। ऑप्शन है दिल्ली, कर्नाटक, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट, ईयरलियर ही हैड सर्वेड एज। ऑप्शन है द गवर्नर ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, द गवर्नर ऑफ असम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट बनने के पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, वही है बिहार के गवर्नर थे। नेक्स्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सपेंशनली। तो ऑप्शन है इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र को डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट,
डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, तो ऑप्शन है पार्टियलिटी, टोटल डेडिकेशन, इनमिटी, ट्रेसरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल डेडिकेशन के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने ऑफिस में प्रवेश किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, किससे लंबे समय तक जुड़े रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ऑप्शन है बिजनेस, एडुकेशन, आर्ट, गेम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडुकेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा से लंबे समय तक जुड़े रहे। नेक्स्ट, द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फोर, द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फोर, लोगों ने अपने परिवार में जो हेड चुना डॉक्टर जाकिर हुसैन को, तो कितने समय के लिए, तो ऑप्शन है 2 ईयर्स, ए सर्टेन टाइम, फॉर एवर, 20 ईयर्स। तो आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का होता है, लेकिन इसमें 5 ईयर्स नहीं दिया है, लेकिन यहाँ बी नंबर पर दिया है ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सर्टेन टाइम। नेक्स्ट, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, तो ऑप्शन है सर्टेन रिलीजियंस, द होल नेशन, द रिच ओनली, द पुअर ओनली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने न्याय किया है। नेक्स्ट, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, तो ऑप्शन है मेकिंग मनी, मोरल पर्पोज, ऑन इंटरेस्ट, मटेरियल गेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरल पर्पोज, उन्होंने नैतिकता के लिए ही अपने पावर यानी शक्ति का प्रयोग किया, इसके अलावा नहीं, बी ऑप्शन नंबर बी, मोरल पर्पोज। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच कब दिया था, तो ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1968। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच दिया था, उसी समय ये राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे, प्रेसिडेंट के पद पर, और उसी के संदर्भ में स्पीच दिया था। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो शपथ लिया वो कब लिया, किस संदर्भ में लिया, तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के पद पर आसीन हुए तब उन्होंने ओथ माने शपथ लिया, ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत मेरा घर है या किसने लिखा, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पीएल एस ब्रूक, एस ई बीट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। नेक्स्ट, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले डॉक्टर राधा कृष्णन जी प्रेसिडेंट के पद पर रह चुके थे, और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के पद पर आए तो उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन की बहुत ही बड़ाई की। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द, उन्होंने शपथ लिया निष्ठापूर्वक किसके लिए, तो ऑप्शन है पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ओथ लिया निष्ठापूर्वक
लॉयलिटी पूर्वक, तो किसके लिए लिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के लिए, संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने शपथ लिया कि जितने भी हमारे संविधान में नियम बने हैं उन सभी का मैं पालन करूंगा। नेक्स्ट, डैश साइड डैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। डैश साइड, किसने कहा कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है एंड यहाँ के लोग मेरे परिवार की तरह हैं? तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ दिस। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। क्या है ग्रेट? तो ऑप्शन है पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट, लीडर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट नेशनलिस्ट, थे राष्ट्रवादी थे। ऑप्शन नंबर सी, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे, बहुत ही महान। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ ऑफ। तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट पद पर आसन हुए उसी समय उन्होंने स्पीच दिया था और भारत इज माई होम के बारे में। नेक्स्ट, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, एडुकेशन, ट्रेड, नन ऑफ दिस। तो अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडुकेशन। एडुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्ड। हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है, एडुकेशन उन्होंने अपने स्पीच में कहा था। नेक्स्ट, डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो कौन? तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैन सिंह, डॉक्टर राधा कृष्णन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधा कृष्णन। उनके पास इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार था डॉक्टर राधा कृष्णन जी के पास। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपुल ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपुल्स ऑफ। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंडिया के ही तो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इन, वो कब प्रेसिडेंट पद पर आसीन हुए? ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1969। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 में प्रेसिडेंट के पद पर आसीन हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। तो इसका ऑप्शन है स्पेशल, प्रेफुल, लंग, न्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेफुल। वे बहुत ही जोश के साथ निष्ठापूर्वक अपने ऑफिस में प्रवेश किए थे। ऑप्शन नंबर बी, प्रेफुल। नेक्स्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी अपने विश्वास को नहीं खोया, किसके प्रति? तो ऑप्शन है मेन, एनिमल, बर्ड, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा पार्ट लिखा है जो ऑप्शन दिया है? तो ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
आई हैव ए ड्रीम, भारत इज माई होम, द आर्टिस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इज माई होम। इन्होंने इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, भारत इज माई होम। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने देती हूँ, तब तक के लिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।